नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि देश में जांच का दायरा बढ़ गया है। कोविड 19 की जांच के लिए कई तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन जांच में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रू नेट टेस्ट में क्या अंतर है और ये कैसे समझे, देखिए इस रिपोर्ट में। कितने प्रकार के होते हैं कोरोना टेस्ट? RT-PCR और एंटीजन जांच में कौन बेहतर? RT-PCR टेस्ट को भी मात दे सकता है कोरोना का खतरनाक वेरिएंट। कोरोना महामारी से संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में कई तरह के टेस्ट के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इस जांच में सर्वाधिक प्रयोग रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट का होता है। देश में इन दो टेस्ट के जरिए व्यक्ति में संक्रमण के बारे में पता चलता है। हालांकि ये दोनों टेस्ट 100% सही नहीं होते। इन दोनों टेस्ट में RT-PCR टेस्ट को ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है, जबकि RT-PCR टेस्ट में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। क्या होता है RT-PCR टेस्ट? RT-PCR टेस्ट का पूरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन है। इसकी जांच प्रयोगशाला में की जाती है। इस टेस्ट के जरिए व्यक्ति के शरीर में वायरस का पता लगाया जाता है। इसमें वायरस के आरएनए की जांच की जाती है। ज्यादातर सैंपल नाक और गले से म्यूकोजा के अंदर वाली परत से स्वैब लिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल PCR टेस्ट को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, लेकिन अन्य टेस्ट की तरह ये टेस्ट भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। इसकी जांच की कीमत एंटीजन टेस्ट से महंगी होती है। दिल्ली में RT-PCR टेस्ट की कीमत 800 रुपए तक की गई है। क्या होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट? बाहर से शरीर में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया एंटीजन होते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजे 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाते हैं। इस जांच में व्यक्ति की रिपोर्ट यदि नेगेटिव आती है तो उसे फाइनल नहीं माना जाता। इस टेस्ट की RT-PCR जांच होती है। एंटीजन टेस्ट में व्यक्ति की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसे संक्रमित मान दिया जाता है। एंटीजन टेस्टिंग व्यक्ति के पास जाकर की जाती है। इस टेस्ट में व्यक्ति की नाक के दोनों तरफ से फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है। स्ट्रिप पर एक रेड लाइन आने पर रिपोर्ट नेगेटिव मानी जाती है। स्ट्रिप पर अगर दो रेड लाइन आती है तो व्यक्ति को संक्रमित माना जाता है। इस जांच की कीमत 150 रुपए है। वहीं अमेरिका में मोटे तौर पर तीन तरह के टेस्ट होते हैं। दो टेस्ट में व्यक्ति में एक्टिव इन्फेक्शन का पता किया जाता है, जबकि तीसरे टेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति पहले से संक्रमण का शिकार तो नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। कोरोना का नया वेरिएंट कोरोना के टेस्ट को भी धोखा दे सकता है। यानी अगर आप कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होते हैं, आपको इसके लक्षण दिखने लगते हैं और फिर आप टेस्ट कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक आपको कोरोना नहीं होगा। सरल शब्दों में कहें तो नया वेरिएंट कोरोना के टेस्ट में भी आसानी से धोखा दे सकता है। इसीलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।